जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा बाइक राइडर की जॉब के हवाले से वीडियो बना दूँ कि बाइक राइडर की जो जॉब होती है उसकी क्या प्रोसीजर होता है, क्या सैलरी होती है, कितना स्कोप है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास ड्राइविंग का वीज़ा कैसे लें, क्या करें, किस तरह करें। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, मैं इंस्टा आईडी दूंगा, आप वहाँ से भी पूछ लीजिए इंस्टाग्राम की आईडी से। तो जी सबसे पहले तो अगर बाइक राइडर की बात करें तो यहाँ पे बाइक राइडर की जो जॉब्स है ना वो सबसे पहले जो सबसे फेमस है आपको भी जो पता है वो है तलबात की। तलबात जो है ये हर चीज़ की डिलीवरी करता है, ग्रोसरी की, फूड आइटम्स की और मतलब रेस्टोरेंट्स की, हर चीज़ की डिलीवरी तलबात जो है वो करते हैं बाइक राइडर्स। तो उसके बाद कैरीफोर आ जाती हैं, करीम की बाइक्स हैं, और उसके बाद जो है इंस्टा शॉप एक नई बनी है उसकी जो है बाइक की जो है डिलीवरी है, मतलब करीम, कैरीफोर्ड और इंस्टा शॉप, ये जो है ये आपके लिए मतलब बाइक राइडर्स की जॉब। और भी हैं मतलब जिस तरह डोमिनोज है, डोमिनोज वालों ने हायर किया हुआ है, मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड वालों ने हायर किया हुआ है, और उसके बाद जो है जिस तरह मतलब जो फूड चेन्स होती हैं, केएफसी है, केएफसी वालों ने हायर किया होता है। लेकिन अगर आप तलाबात, करीम या कैरीफोर या इनके इंस्टा शॉप के प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो आपको बाकी सारे चीज़ें भी उधर मिल जाती हैं, मतलब केएफसी ये सारी चीज़ें भी उधर होती हैं, वो भी डिलीवरी करते हैं, मैकडोनल्ड वगैरह ये सारा कुछ। तो अगर बात कर ली जाए इनकी सैलरी की तो इनकी सैलरी बेसिक जो होती है वो फिक्स होती है, हर कंपनी का अपना अपना हिसाब होता है यार। तलाबात का अपना हिसाब है, इंस्टा शॉप का अपना है, नून नून एक ऐप है, नून की जो डिलीवरियाँ यहाँ पे बहुत होती हैं दुबई में, यूएई में जो है नून की बहुत होती हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो 3,000 तक होती है डिलीवरियाँ वगैरह करके सारा कुछ। अगर आप दिन के 10 ऑर्डर्स या 10+ ऑर्डर्स डिलीवर करें तो 3,000 से 3,500 तक जो है ये उनकी सैलरीज होती हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लें, बाइक राइडर की जॉब जो है यहाँ पे, इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी पे आप जाकर अप्लाई करेंगे, मैं पहले भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया फिर भी बता रहा हूँ कि आपको बाइक राइडर की जॉब के लिए यहाँ पे मौजूद होना होगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप होंगे तो फिर आप आगे अप्लाई करेंगे किसी भी जॉब के लिए, किसी भी कंपनी में जाके। तलाबात का यहाँ पे ऑफिस है, जो दुबई में रहते हैं, जो दुबई में जॉब सर्च कर रहे हैं उनको पता है, गूगल मैप पे टाइप करें आ जाता है। नून का यहाँ पे ऑफिस है, कैरीफोर का यहाँ पे ऑफिस है, करीम का यहाँ पे ऑफिस है, डायरेक्ट ऑफिस चले जाएं वो डायरेक्ट हायरिंग करते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, जो तलाबात का काम है ना, बाइक राइडर्स का काम है, ये शुरू हुआ था कोरोना में। मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे बाइक राइडर का बताएं, बाइक राइडर का बताएं, तो बाइक राइडर की हकीकत सुन लें यहाँ पे। बाइक राइडर की जो है ना ये काम शुरू हुआ था कोरोना से पहले, तलाबात का इतना काम चल पड़ा था तलाबात का कि वो खुद हायर कर रहे थे दूसरे मुल्कों से लोगों को बुला बुला के। लेकिन जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, लोगों का काम शुरू हुआ, तो उन्होंने लोग खुद ग्रोसरी लेने जाने लग गए, खुद जाके सामान लेने लग गए। लेकिन जो पीछे लोग थे पाकिस्तान में और यहाँ इधर, उनको यही पता था कि भाई तलाबात का बहुत काम है, बाइक राइडर्स का बहुत काम है, हायरिंग हो रही है। तो 2019 के आखिर में, 2021 के 2021 के आखिर में 4 लाख लोग बाइक राइडर की जॉब के लिए दुबई आ गए। अब यहाँ पे सीट्स तो थी नहीं, तो फिर उन्होंने परमानेंट जॉब से उनको कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे रखना शुरू कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब से ये हाल हो गया है कि बहुत से रूम्स में, बहुत सी जगहों पर बाइक राइडर्स ऐसे हैं जो फ्री बैठे हुए हैं, जिनको जॉब ही नहीं मिल रही। करीम से की उन्होंने, उनको कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कहा भाई हमें अभी ज़रूरत नहीं है आप जाएँ, छोड़ दिया। तलबात में की उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए बंदे, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, निकाल दिया। तो इस तरह बहुत से लोग जो है लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं। वीज़ा वो कंपनी देती है आपको, वीज़ा कंपनी देगी आपको, जो भी आपको हायर करेगी, फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी बाइक का लेके देगी, बाइक भी आपको देगी, नई 0 मीटर बाइक होगी। लेकिन जो है अभी बाइक राइडर्स की जॉब नहीं है। जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि मैं राइडर की जॉब कर लूँगा, दूसरी बात सबसे डेंजरस जॉब यहाँ पर राइडर की होती है, सबसे खतरनाक, अपनी ये बात जहन में बिठाएं। क्योंकि जो रोड्स है ना यहाँ पे, 3 लेन या 4 लेन वाली रोड्स है, लाइन नहीं लेन कहते हैं, लेन 3 लेन या 4 लेन्स वाली रोड है, 6 लेन्स तक है, 9 लेन्स वाली भी है, वहाँ पे भी बाइक राइडर को जाना पड़ता है। तो वहाँ पे 120 की स्पीड्स पे कार जा रही होती है, 120, 100, 110, 100, 110, 190, इतनी स्पीड पे। और इतनी स्पीड पे जब बाइक पे जाते हैं ना तो सिर्फ हिट करने की देर होती है, बंदा टच करता है कार को और बाइक राइडर की मौत हो जाती है फौरन। तो ये जॉब बहुत ज़्यादा रिस्की है, पैसे हैं इसमें ठीक है,
इसकी अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो इससे अच्छा आप टैक्सी की जॉब में चले जाएं। मैं टैक्सी की जॉब उन बंदों के लिए प्रेफर करता हूँ जो लोग कह रहे हैं ना कि मेरा भाई आया हुआ है उसके लिए कुछ करें, मेरी बहन आई हुई है, मेरा बेटा आया हुआ है उसके लिए कुछ जॉब बताएं, कुछ जॉब में हेल्प कर दें। आप उनको कहें टैक्सी के ऑफिस में चले जाएं, वहाँ जॉब होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो जॉब्स हैं बाइक राइडर की जॉब्स जो अप्लाई करना चाहते हैं इन जॉब्स के लिए, वो उनके लिए फिर वही बात है कि दुबई में आना पड़ेगा, विजिट पे आ जाएं या अपना फ्रीलांस वीज़ा लेके आ जाएं, डायरेक्ट ऑफिस में जाएं, हायरिंग करें, किसी के थ्रू ना करें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी नून में जॉब्स आ गई, करीम में जॉब्स आ गई, तलबात में जॉब्स आ गई, इतनी सैलरी, ये, उनके चक्करों में ना पड़ें। यहाँ पे खुद लोग जॉब्स देते हैं, आप खुद आएँ, खुद जाके सर्च करें, खुद अपना रोज़गार कमाएँ। मुझे भी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई सवाल होगा तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आके। मेल्स के लिए भी जॉब्स होती हैं, फीमेल्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उसके लिए मैं बनाता रहता हूँ वीडियोस जैसे मुझे कोई रिक्वायरमेंट आती है, जैसे मुझे कोई जॉब दिखती है। तो अल्लाह हाफिज़।